दोस्तों हम सब ये तो जानते हैं कि हमारे देश में क्रिकेट एक स्पोर्ट नहीं बल्कि एक धर्म है और वक्त के साथ साथ क्रिकेट का क्रेज लोगों के दिलो दिमाग पर बढ़ता ही जा रहा है। हम इस सब बात से तो वाकिफ हैं कि क्रिकेट हो या फिर कोई भी और स्पोर्ट, हर खिलाड़ी की जर्सी के पीछे एक नंबर होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्रिकेट के खिलाड़ियों को ये नंबर कौन देता है या फिर ये खुद ही अपने नंबर को चुनते हैं और इस नंबर के पीछे की क्या वजह है? आज हम आपको इस चैनल पर इन्हीं सब सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, प्लेयर्स जर्सी नंबर खुद चुनते हैं या नहीं और उनके जर्सी नंबर्स के पीछे का क्या रहस्य है, ये जानने से पहले आइए ये जानते हैं कि आखिर प्लेयर्स को जर्सी नंबर दिया ही क्यों जाता है। इसके पीछे की वजह बहुत ही ज्यादा सिंपल है। दरअसल कमेंटेटर्स कोशिश करते हैं और याद करते हैं कि सभी खिलाड़ी मैदान पर हर समय कहां पर खड़े हैं, लेकिन उन्हें सब याद रखने के लिए काफी दिक्कतें होती हैं क्योंकि पीछे से देखने में पता ही नहीं चलता है कि वो कौन है। इसीलिए खिलाड़ी की पीठ पर एक नंबर होने से उन्हें मैदान पर मौजूद हर खिलाड़ी को तुरंत पहचानने और नाम देने में मदद मिलती है। चलिए बात करते हैं कि प्लेयर्स खुद अपने मन मुताबिक जर्सी नंबर्स ले सकते हैं या फिर बोर्ड इसका फैसला लेता है कि किस खिलाड़ी को कौन सा नंबर मिलना चाहिए। वैसे तो जर्सी नंबर टीम मैनेजमेंट की ओर से दिया जाता है, लेकिन किसी भी नंबर को लेने के लिए खिलाड़ी पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। पर यहाँ पर ये बात तो जाहिर है कि वो नंबर किसी दूसरे खिलाड़ी के पास नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जर्सी नंबर हर खिलाड़ी अपने पसंद से ले सकता है। इतना ही नहीं, खिलाड़ी ये भी तय कर सकते हैं कि वो अपनी जर्सी पर कौन सा नाम लिखवाना चाहते हैं। अब दोस्तों, ये तो हम समझ चुके हैं कि खिलाड़ी खुद अपने जर्सी नंबर का चुनाव करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके मनपसंद खिलाड़ियों के जर्सी नंबर को चुनने के पीछे कोई ना कोई वजह होती है? आइए हमारे भारतीय खिलाड़ियों और उनके जर्सी नंबर्स के पीछे के मजेदार किस्से के बारे में जानते हैं। विराट कोहली, सबसे पहले बात करते हैं सबके चहेते भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और रन मशीन के नाम से मशहूर खिलाड़ी विराट कोहली के जर्सी नंबर के पीछे की वजह की। आप में से ज्यादातर लोग ये तो जानते ही होंगे कि विराट कोहली का जर्सी नंबर 18 है। विराट कोहली का जर्सी नंबर 18 होने के पीछे की वजह उनके पिता हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल उनके पिता का निधन 18 दिसंबर 2006 को हुआ था। विराट कोहली उस समय 18 साल के थे। रोहित शर्मा, भारतीय टीम में मौजूदा कप्तान और हेडमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा की जर्सी का नंबर 45 है, जिसे उन्होंने अपनी माँ के कहने पर चुना। दरअसल रोहित का लक्की नंबर 9 है, लेकिन वो नंबर पहले से पार्थिव पटेल के पास था और एक टीम के दो खिलाड़ियों का एक ही नंबर नहीं हो सकता है, इसलिए रोहित की माँ के सुझाव पर 45 को चुना गया, जिसका जोड़ 4+5=9 भी 9 होता है, इसीलिए उन्होंने 45 को चुना। महेंद्र सिंह धोनी, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व और सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी उर्फ माही का जर्सी नंबर तो हर कोई गली मोहल्ले का बच्चा बच्चा जानता है। इनके जर्सी नंबर का राज ये है कि महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई को आता है। इसके अलावा दूसरी वजह फुटबॉल। दरअसल धोनी को फुटबॉल खेल काफी पसंद है और उनके सबसे पसंदीदा फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो हैं। और अगर आप भी फुटबॉल देखने के शौकीन हैं, तो आप ये बात भली भांति जानते होंगे कि रोनाल्डो का जर्सी नंबर भी 7 है, इसलिए धोनी के जर्सी का नंबर भी 7 है। धोनी के जर्सी नंबर चुनने की वजह देखकर क्या आपको भी अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब आप अपने बर्थडे पर अपना ईमेल पासवर्ड बनाते थे? अगर आप भी ऐसा करते थे तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। हार्दिक पंड्या, आइए अब बात करते हैं भारतीय टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पंड्या के जर्सी नंबर 228 के पीछे की वजह की। इस नंबर के पीछे की वजह ये है कि एक बार हार्दिक पंड्या अंडर 16 का मैच खेल रहे थे और उसी मैच में पंड्या ने 228 रन बनाकर अपनी टीम को एक बड़ी जीत दिलाई थी। तभी से हार्दिक पंड्या ने अपनी जर्सी के लिए 228 नंबर पहनना शुरू कर दिया। अश्विन, भारतीय टीम के स्पिनर गेंदबाज अश्विन, जिन्होंने अभी अभी कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा है, उनकी जर्सी का नंबर 99 है, लेकिन अश्विन को 9 नंबर अधिक पसंद था। लेकिन टीम इंडिया में 9 नंबर पहले से ही पार्थिव पटेल के पास मौजूद था, इसीलिए फिर उन्होंने 99 नंबर लिया था। सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान कहलाने वाले इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सचिन तेंदुलकर का जर्सी नंबर 10 था। सचिन तेंदुलकर का कहना था कि उनके सरनेम में 10 लिखा हुआ है, इसीलिए अपनी जर्सी के लिए उन्होंने नंबर 10 को चुना। वैसे क्या आप जानते हैं कि सचिन के रिटायर होने के बाद भारतीय खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर ने 10 नंबर की जर्सी अपने लिए चुनी थी, लेकिन इससे सचिन की फैंस नाराज हो गए थे और फिर विवाद बढ़ता देख शार्दुल ने अपनी जर्सी का नंबर बदल दिया। अब उनकी जर्सी का नंबर 54 है। युवराज सिंह, एक के बाद एक लगातार 6 छक्के मारने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के बेहतरीन और विस्फोटक बल्लेबाज युवराज सिंह ने अपनी टीम को कई मैचों में जीत हासिल करवाई है।
टीम इंडिया की 2007 T20 वर्ल्ड कप और 2011 के वनडे वर्ल्ड कप की जीत के हीरो की जर्सी का नंबर 12 है। दरअसल युवराज सिंह का जन्म 12 दिसंबर 1981 को दिन के 12 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 12 में हुआ था। अब दुनिया में आते ही युवराज का पाला इसी नंबर से पड़ा, जिसकी वजह से 12 नंबर को यूवी लक्की मानते हैं और इसी नंबर की जर्सी को पहनते हैं। राहुल द्रविड़ क्रिकेट टीम में इंडिया की दीवार के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ 5 नंबर की जर्सी पहनते थे, लेकिन बाद में उन्होंने 19 नंबर की जर्सी को पहनना शुरू कर दिया था। दरअसल उनकी पत्नी का जन्मदिन 19 को है, जिसे वो अपने लिए लकी मानते हैं। वीरेंद्र सहवाग भारत की तरफ से टेस्ट में पहला तेहरा शतक लगाने वाले धाकड़ बल्लेबाज वीरू की जर्सी नंबर की कहानी बेहद दिलचस्प है। वे पहले 44 नंबर की जर्सी के साथ खेलते थे, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए तो ज्योतिषी की सलाह पर 46वें नंबर की जर्सी पहनना शुरू कर दिया। हालांकि ये नंबर भी उनके लिए लकी साबित नहीं हुआ, इसके बाद बिना नंबर वाली जर्सी पहनकर खेलना शुरू कर दिया। वैसे आप में से कई लोग ये जानते होंगे कि पहले से विपरीत अब टेस्ट मैचेस में प्लेयर्स को जर्सी नंबर और नाम चुनने की आजादी है। इस पर भी लोगों के दो मत हैं, आपका इस पर क्या कहना है हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आज की हमारी इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो का लुत्फ उठा सकें।